तो दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ये है मेरे पास एक जियो फोन और इसको मैं रखने वाला हूँ एक फ्रिज के अंदर और देखने वाला हूँ क्या ये फ्रिज के अंदर कितना देर तक चालू कंडीशन में रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं इसको ले जाने वाला हूँ फ्रिज में। अब आप देख सकते हैं सही कंडीशन में है, 3:47 हो चुका है। तो मैं इसको रखने वाला हूँ 4 घंटों के लिए, 4 से 5 घंटों बाद इसको देखूँगा कि ये सही कंडीशन में है या फिर नहीं। और फ्रिज को जो है ना लाइट गोल भी नहीं होगा, लाइट हमेशा चालू रहेगा। और 5 घंटे बाद इसको देखेंगे कि ये जो मोबाइल है वो सही कंडीशन में रहता है, चालू रहता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ फ्रिज के अंदर, इसको ले जा रहा हूँ। तो चलिए फिर। तो अब आ गया है यहाँ पास फ्रिज और फ्रिज के अंदर मैं इसको अभी रख रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पास फास्ट आईसी, तो इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका कंट्रोलर भी है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ 5 पे 6 पे है तो 5 पे बढ़ा दे रहा हूँ और इसको मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है इसको 5 घंटे बाद। देखिए अभी भी बर्फ़ जमा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं जैसे मैंने खोला उसके बहुत सारा आवाज़ आई। यहाँ पास आप देख सकते हैं अभी भी बर्फ जमा हुआ है। तो चलिए यहाँ पास रखेंगे और इसको रखेंगे खड्डे में। तो चलिए फिर खड्डे में रखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब मैंने इसको रखा है एक फ्रिज के अंदर और मैंने यहाँ पास गीला ना हो इसीलिए मैंने एक पेपर लिया है और इसको रखा है यहाँ पर। और देखेंगे कि ये 5 घंटे बाद हमारा मोबाइल चालू रह पाता है कि नहीं, और ये जानेंगे कि ये हमारा मोबाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, जियो फोन जो कि है ये 1000 रुपये वाला जियो फोन, तो कितना ताकतवर है ये फ़ोन, चलिए जानेंगे 5 घंटे बाद। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि लाइट कभी गोल भी ना हो, हमेशा लाइट चालू रहे। तो वीडियो को फास्ट करने से अच्छा है वीडियो को पॉज कर देते हैं और 5 घंटा बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा मोबाइल उस समय भी चालू रहता है कि नहीं। तो चलिए मैं अभी इस फ्रीज़र को बंद कर दे रहा हूँ। सो गाइस मैंने अभी फ्रिज पे एक जियो फोन को बंद कर दिया है। तो चलिए अब हम देखेंगे 5 घंटा बाद भी हमारा जियो फोन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों मेरे मोबाइल को हो चुके हैं पूरे 5 घंटे और मैं अभी इसको निकालने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर में है मेरा मोबाइल और यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका है कंट्रोलर, जिससे कि हम इसको सेट करते हैं। अभी भी 5 पे रखा हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर में है मोबाइल और ये जो है ना आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखा था मेरा मोबाइल और ये चिपक चुका है कागज़ का पन्ना। इसको निकालने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से चिपक चुका है कागज़ का पन्ना और मोबाइल भी नहीं निकला है। तो आप देख सकते हैं उस तरह खिसक गया है मोबाइल और अब हम दोनों को निकालेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा मोबाइल अभी भी चालू है या फिर नहीं। तो चलिए अब देखते हैं। मेरा मोबाइल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, अगर थर्मामीटर होता तो आपको मैं चेक करा के ज़रूर दिखाता। तो मैं बटन को दबाया और मेरा जो मोबाइल है वो बंद हो चुका है। तो आप इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है और पानी भी यहाँ पास पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर पानी चला गया है शायद स्क्रीन के अंदर और अभी भी मेरा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। इसको ऑन करके देखते हैं क्या ऑन हो जाएगा क्या। तो जी हाँ, ये मेरा मोबाइल ऑन हो चुका है। मेरे को लगा था कि मोबाइल ख़राब हो चुका है लेकिन ये स्विच ऑफ हो गया था ठंड के कारण और मेरा जो मोबाइल है वो अभी भी चालू है, यानी कि स्विच ऑफ तो हो गया था
लेकिन मोबाइल चालू है। मैं डर गया था क्योंकि यहाँ के जो स्क्रीन है ना उस पर पानी नज़र आ रहा था। तो आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और देख सकते हैं पीछे की ओवरऑल कंडीशन। तो अभी खोलेंगे मोबाइल को, स्विच ऑफ से अभी खुल रहा है मोबाइल, और मोबाइल यकीनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, और मेरा हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा सुन्न हो गया, ऐसा लग रहा है ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बर्फ में जम गया था मोबाइल। और अभी खुल चुका है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है मोबाइल चार्जिंग कम है। सो गाइस, 5 घंटे बाद भी हमारा जियो मोबाइल चालू कंडीशन में है। आपको इस एक्सपेरिमेंट को घर पे ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मोबाइल ख़राब भी हो सकता है, इसीलिए इसको घर में दोहराने की कोशिश ना करें। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है।